सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोसोलॉजी। पोसोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो जनरल फार्मास्यूटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही इजी है और इसलिए इसमें मार्क्स गेन करना बहुत ही आसान है। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पोसोलॉजी पोसोलॉजी आखिरकार होती क्यों है और हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं। तो जस्ट वेरी क्विक, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सारी प्रिस्क्रिप्शन की बातें कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो की लिंक यहाँ पे आई कार्ड में आ रही होगी। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ें, क्योंकि वो भी इसी पोसोलॉजी जैसा बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मार्क्स गेनिंग है। ये वाले शुरुआत कुछ टॉपिक्स जनरल फार्मास्यूटिक्स के थोड़े से इजी हैं, आगे जैसे आप चलेंगे तो थोड़े से वो डिफिकल्ट होंगे, लेकिन ये दोनों पार्ट्स काफ़ी ईजी है। और अगर आपने ये दोनों पार्ट समझ लिए तो आपको काफ़ी आराम होगी अभी में और आगे वाले, मतलब कि सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में भी, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि पोसोलॉजी पोसोलॉजी होती क्या है। तो पोसोलॉजी हमारे जनरल फार्मास्यूटिक्स में एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जैसे कि न्यूरोलॉजी होती है। न्यूरोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ नर्व्स, है ना। तो यहाँ पे ये पोसोलॉजी है, ये एक तरह की स्टडी है। तो देखते हैं कि कैसे बना है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी दो वर्ड से बना है, पोसो और लॉजी। पोसो और लॉजी, तो पोसोस का मतलब है हाउ मच, ये लैटिन वर्ड है पोसोस, जिसका मीनिंग है हाउ मच, मतलब कितना, और लॉजी का मतलब है साइंस। तो हाउ मच और साइंस मीन्स यहाँ पे हम डील करते हैं ड्रग्स की डोसेज के बारे में, कि ड्रग्स की डोसेज कितनी होनी चाहिए। तो यही बढ़ते हैं, इट इज़ अ ब्रांचिंग ऑफ मेडिकल फार्मेसी। ये एक मतलब कि मेडिकल फार्मेसी की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द डोज और क्वान्टिटी ऑफ ड्रग, विच डील्स विद द डोज। डोज मीन्स उसे क्वालिटी, डोज कितनी। जब भी आप डॉक्टर पास जाते होंगे दिखाने के लिए तो डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर डोज की दवाई देता है, कि आपने उनको बताया कि आपको बुखार है तो डॉक्टर आपको लिखेगा पैरासीटामोल 600 mg या 500 mg। तो जो 600 mg है 500 mg है, ये एक्चुअली में डोज है। तो डोज या क्वान्टिटी ऑफ ड्रग विच इज़ एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। एडमिनिस्टर्ड का दोस्तों यहाँ पे मतलब होता है देना, मीन्स उसको देना ताकि वो कंज्यूम कर ले। एडमिनिस्टर्ड काफ़ी तरह से हो सकता है। एडमिनिस्टर्ड वो पैरासीटामोल की आपको गोली दे सकता है जिसको आप लोग पानी से पी लेंगे, या सिरप दे सकता है, कभी कभी पैरासीटामोल के इंजेक्शंस भी आते हैं ना। तो एडमिनिस्टर्ड का मतलब है कि आपकी बॉडी में वो जाना, अब वो किसी तरह से भी जा सकता है। आपको डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू दे सकता है, आपको डॉक्टर टैबलेट के थ्रू दे सकता है ना, या आपको डॉक्टर सिरप के थ्रू दे सकता है, किसी भी तरह से दे सकता है। तो ये देना ही बॉडी को मीन्स होता है एडमिनिस्टर्ड। ये वर्ड आप कई बार सुनेंगे तो मैंने सोचा कि ये वर्ड का मीनिंग आपको पक्का क्लियर होना चाहिए। तो एडमिनिस्टर्ड का दोस्तों मतलब होता है कि बॉडी में जाना, अब वो किस तरह से जाती है, मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू डालती है, सिरप के थ्रू जाती है या ओरली जाती है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पोसोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो मेडिकल फार्मेसी में होती है, जिसमें हम लोग डील करते हैं डोसेज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग, मीन्स डोज कितनी चाहिए और कितनी डोसेज और कितनी क्वांटिटी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर आपको पैरासीटामोल लिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी ध्यान रखेगा कि पैरासीटामोल कितनी डोसेज देनी है। हर किसी को वो 500 mg नहीं लिखेगा और हर किसी को वो 600 mg नहीं लिखेगा। तो पोसोलॉजी मेन यही है, यही डेफिनेशन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इट डील्स विथ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोसेज ऑफ ड्रग, मीन्स जितने भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें ड्रग डोसेज अफेक्ट करता है, उन सारे फैक्टर्स में पोसोलॉजी में गहन तरीके से स्टडी की जाती है, ठीक है। आप समझते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, मीन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग डोसेज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं एज। एज काफ़ी मैटर करता है दोस्तों। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एज के हिसाब से आपको दवाई देगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं, है ना, तो आपको वो कम डोज देगा। अगर आप वो एडल्ट हैं तो आपको वो ज़्यादा डोज देगा। आप देख सकते हैं कि बड़े लोग को थोड़ी ज़्यादा डोज मिलती है और बच्चों को कम मिलती है। तो ये डिपेंड करता है एज पे। आपको बुखार तो दोनों को ही होगा, बुखार एक छोटे बच्चे को भी होगा, बुखार एक एडल्ट को भी होगा, लेकिन मैटर करता है एज, और एज से मैटर करता है ड्रग डोसेज, ठीक है। तो डोसेज ऑफ ड्रग्स चेंजेस विथ इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है तो ड्रग्स का डोज है वो भी चेंज होता रहता है। तो यही लिखा है, डोसेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग की डोज चेंजेस मतलब बदलती है विथ इंक्रीजिंग एज, एज के हिसाब से वो बदलती है। डिफरेंट एज नीड डिफरेंट ड्रग्स, तो डिफरेंट एज के लोगों को डिफरेंट ड्रग डोसेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आते हैं सेक्स में, सेक्स मतलब जेंडर, मेल या फीमेल, ठीक है।
तो डॉक्टर आपको एज के हिसाब से दवाई देगा, फिर आपको वो जेंडर के हिसाब से भी दवाई देगा। मीन्स अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपको कम डोजेज की जरूरत है, लेकिन मेल्स हैं उनको थोड़ी हाई डोजेज की जरूरत होती है। ऐसा साइकोलॉजिकल होता है और एनाटोमिकल भी होता है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, ये तो हम सबको पता है कि बॉडी ऑफ मेल और फीमेल बहुत, मतलब कि बहुत नहीं लेकिन कुछ हद तक डिफरेंट है, बायोलॉजिकली कुछ हद तक डिफरेंट है। और दूसरी बात है, फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नीड स्पेशल केयर, और अगर फीमेल प्रेगनेंसी में है तो उनको अलग डोजेज की ड्रग्स दी जाती है, क्योंकि वो जो ड्रग्स है वो आप उनके चाइल्ड मींस जो बेबी है उनके यूट्रस में उसको भी अफेक्ट कर सकता है। मेल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फीमेल्स के केस में अगर फीमेल प्रेगनेंट है तो उसके लिए स्पेशल केयर करी जाती है, और जो ड्रग्स है उनकी डोसेज है उसमें काफ़ी चेंज किए जाते हैं ताकि उसके मतलब कि फीटस में कोई भी गड़बड़ी ना आए, ठीक। बॉडी वेट भी काफ़ी मैटर करता है। बॉडी वेट अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, तो उनके लिए डोसेज फॉर्म भी अलग होती है। जहाँ तक जो लोग मोटे होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको ड्रग डोसेज थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बड़ी होती है, और बॉडी को ड्रग, जब कोई बॉडी बड़ी होगी तो ड्रग को ज़्यादा जगह ट्रैवल करना पड़ेगा, और ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए उनको ड्रग डोसेज भी डिफरेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो द एवरेज बॉडी वेट इज डिसाइडेड फॉर अ ड्रग अकॉर्डिंग टू दियर वेट। ओबीस एंड थिन चिल्ड्रेन नीड स्पेशल डोज। मीन्स यहाँ पे लिखा है कि बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग डोजेज डिफरेंट होती है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ओबीस मतलब मोटे लोग, एंड थिन चिल्ड्रेन जो पतले लोग होते हैं, ओबीस जो मोटे लोग होते हैं और थिन लोग पतले चिल्ड्रन होते हैं, उनको जो है स्पेशल डोज की जरूरत होती है। डॉक्टर उनके लिए ध्यान रखता है कि उन्हें कौन सी डोज चाहिए। अगर उन्होंने थिन बच्चे को ज़्यादा हाई डोज दे दी तो उससे उसको एडवर्स इफेक्ट या नुकसान भी हो सकता है, तो इस चीज़ के बारे में डॉक्टर्स है बहुत ही मेक श्योर करते हैं कि वो ड्रग डोसेज है बिल्कुल आपको सही दे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोस्तों थोड़ा समझिएगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था ड्रग को बॉडी में डालना। अब ड्रग बॉडी में कई तरह से जा सकती है, वो इंजेक्शन के थ्रू जा सकती है, डॉक्टर आपको ओरली टैबलेट के फॉर्म में दे देगा, कैप्सूल के फॉर्म में दे देगा, कभी कभी सिरप के फॉर्म में दे देगा, है ना, या कभी कभी इनहेल करने, जैसे कि जो विक्स होती है, जब आपको बुखार होता है तो विक्स आप खाते नहीं हैं, आप इनहेल करते हैं, तो इनहेल के थ्रू भी वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मींस आपको किस रूट से दी जा रही है, क्या आपको इंजेक्शन से दी जा रही है, क्या आपको ओरल दी जा रही है, या आपको स्मेल से दी जा रही है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इंट्रावेनस ड्रग डोसेज आर स्मॉल, मींस जो इंजेक्शन में जो ड्रग दी जाती है, कुछ ड्रग्स होती है जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, तो उन डोसेज का जो डोसेज क्वांटिटी होती है वो कम होती है, जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है उनकी डोजेज क्वांटिटी कम होती है, और जो ओरली दी जाती है जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर हो गया, उनकी जो डोजेज है वो हाई होती है। क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि इंट्रावेनस मीन्स ये तो डायरेक्ट नसों में जा रही है, तो इस चीज़ के लिए ड्रग को और बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता है, वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में चली गई, और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो तुरंत अपना असर कर देगी, तो उसके लिए डोज चाहिए कम। ओरल में क्या है, आप उसको ओरल में लेंगे फिर वो आपके स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद वो धीरे धीरे कहीं जाके आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद कहीं जाके वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में आएगी और फिर वो अपना काम दिखाएगी। तो ओरल डोजेज फॉर्म धीरे काम करती हैं और इंट्रावेनस थोड़ी सी जल्दी काम करती है, तो इसी धीरे और जल्दी कारण इंट्रावेनस में जो इंजेक्शन से दी जाती है उनकी डोज होती है वो स्मॉल होती है, और ओरल से जो दी जाती है उनकी डोजेज हाई होती है, ठीक। फिर आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब दी जाती है, तो ये तो हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि आपको वो इंजेक्शन के थ्रू दे रहा है या ओरल दे रहा है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वो आपको कब दे रहा है, दिन में दे रहा है, रात को दे रहा है, शाम को दे रहा है, खाना खाने के बाद दे रहा है, खाना खाने के पहले दे रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ फूड ऑलवेज डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, मीन्स अगर आप पेट में खाना है, मैं अभी आपने तुरंत खाना खाया, आपने भर पेट खाना खाया, उसके बाद अगर जब आप ड्रग लेंगे तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन टाइम है वो डिले हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ड्रग जैसे आपने खाना वो आप इमेजिन करिए जरा, जैसे ही आपने खाना खाया तो आपका ये समझ लीजिए स्टमक है, वहाँ पे ये खाना आ गया, ठीक, यहाँ पे आपका खाना आ गया, स्टमक भर गया, अब आपने ड्रग ले ली, ड्रग क्या हुई, आपके खाने में चली गई और ड्रग पूरी तरह से आपके खाने में मिल गई। अब क्या होगा, जब ये खाना डाइजेस्ट होगा तो ये ड्रग भी डाइजेस्ट हो जाएगी, और ड्रग जो है फिर वो आपके
ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, है ना। तो इसे क्या हुआ कि जो ड्रग का डोसेज है, मींस टाइम है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जब अब दोस्तों खाना तुरंत फंस नहीं जाता, करीब टाइम लेता है, टाइम तब लेता है जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इस तरह से जो खाना होता है वो देर में एब्जॉर्ब होता है, और इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ फूड डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, मींस खाने के वजह से जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाता है। तो मैटर करता है कि दोस्तों कि आप दवाई खाना खाने से पहले ले रहे हैं या खाना खाने के बाद ले रहे हैं, ठीक है। कुछ दवाइयाँ होती है वो खाना खाने से पहले ली जाती है, जैसे कि एंटा एसिड आर टेकन बिफोर मील, मीन्स जब भी आपको एसिडिटी होगी तो एंटा एसिड जो है वो आपको बिफोर मील दी जाएगी। और सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन ए का सप्लीमेंट, विटामिन बी का सप्लीमेंट, आयरन का सप्लीमेंट, कैल्शियम का सप्लीमेंट, ये खाना खाने के बाद दी जाती है। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एंटा एसिड जो खाना खाने के पहले दी जाती है, और सप्लीमेंट जो खाना खाने के बाद दी जाती है। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा यहाँ कवर हो जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि जो पेशेंट है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है बहुत ही हाइजीनिक प्लेस में रहते हैं, लेकिन कुछ जैसे गांव में लोग होते हैं या आपके शहर में भी होगा, तो वहाँ पे कुछ लोग गंदी जगह रहते हैं, मीन्स सड़क साइड रहते हैं, और वहाँ पे बहुत ही कोई भी हाइजीन नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारा कचरा होता है और वहाँ पे कुछ भी हाइजीन नहीं होता है। तो इस हाइजीनिक ना होने के कारण वहाँ पे कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और वो कई सारे बैक्टीरियाज उन गरीब आदमी को अफेक्ट करते हैं और उनको और बीमारी लाते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं, कि हम लोग की तरह वो हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं या दूसरे लोग की तरह एक डर्टी कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस ऑफ लिविंग बींग्स एफेक्ट दैट डोसेज ऑफ ड्रग्स, मीन वो कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, ये भी अफेक्ट करता है ड्रग डोसेज को। पीपल लिविंग इन डर्टी एरियाज नीड मोर एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल, जैसे कि हम लोग अब यहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, तो हम लोग को इतनी एंटीबायोटिक मीन्स जो बैक्टीरिया को मारे, और एंटी फंगल जो फंगस को मारे, हम लोगों को इतनी एंटीबायोटिक और एंटी फंगल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो काफ़ी क्लीन है और बैक्टीरिया फ्री है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो उनको अनफॉर्चुनेटली गंदी जगह रहना पड़ता है, और इस वजह से वहाँ पे कई सारे बैक्टीरियाज और फंगल्स होते हैं, तो उनको स्पेशल तरीके से एंटीबायोटिक और एंटी फंगल भी दिया जाता है। तो ये मैटर करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, जो लोग गंदी जगह रहते हैं उनको एंटीबायोटिक और एंटी फंगल देना भाई ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जहाँ वहाँ रह रहे हैं जहाँ पे भाई बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंगस हैं। हम लोग कहाँ हैं, वो हाइजीनिक में रह रहे हैं, हमारे आसपास इतने बैक्टीरियाज और फंगस नहीं है, तो हम लोग को इतनी एंटीबायोटिक और एंटी फंगल की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी दोस्तों डिफेंड करता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, ठीक। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ में, कि इसे पहले कौन सी डिजीज़ है, जैसे कि आपके पास आपको बुखार है या आपके पेट में दर्द है, मान लीजिए आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर के पास गए और आपने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पूछता है ना कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे कि आपको पेट में दर्द हो रहा है लेकिन आपको कोई और बीमारी भी हो सकती है, जैसे आपको टाइफॉइड हो सकता है या कोई ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, कोई और बीमारी हो सकती है जिसके कारण ये पेट दर्द हो रहा हो। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। जो टाइफॉइड पेशेंट नीड स्पेशल डोजेज, जो लोग टाइफॉइड से बीमार होते हैं, जिनको टाइफॉइड बीमारी हो जाती है, उन पेशेंट को जो डोजेज है वो स्पेशल दी जाती है, क्योंकि टाइफॉइड में दोस्तों जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक खराब हो जाता है, काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो अगर किसी को टाइफॉइड है और तब उसको पेट दर्द या कोई भी सिर में दर्द या कुछ भी होता है, तो डॉक्टर उसकी स्पेशल केयर रखता है उसकी डोजेज पे, कि उसको ध्यान रखता है कि भाई इसको जो डोज है वो काफ़ी स्पेशल दी जाएगी, उसको ना हाई, बहुत हाई डोज नहीं दी जाएगी। वैसे ही एक और एग्जांपल है, अगर किडनी वर्किंग नहीं है, जैसे कि इफ किडनी इज़ नॉट वर्किंग, जैसे किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट इज़ मैल फंक्शन, हार्ट में मैल फंक्शन है, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, हार्ट की रिदम सही से नहीं कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिलैक्स नहीं कर रहा, देन द ड्रग डोसेज इज डिफरेंट, तो जो ड्रग डोसेज है वो भी डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ डिसीज भी काफ़ी मैटर करता है।
कोई भी डिजीज़ अगर आपके पास पहले से ही है और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी स्पेशल केयर रखता है कि आपको ध्यान देता है कि आपको कोई उल्टी सीधी दवाई ना मिल जाए, वरना आपको नुकसान कर जाएगी। ठीक है, तो वो प्रेजेंस ऑफ डिजीज भी काफ़ी मैटर करता है कि कोई डिजीज़ आपको ना हो, और अगर आपको कोई डिजीज़ है तो ड्रग डोसेज जो है वो उसके हिसाब से चेंज होती है। ठीक, फिर आता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का दोस्तों मतलब होता है, पढ़ते हैं, सम ड्रग्स विच आर टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए ली जाती है ना। जैसे कुछ कुछ ड्रग्स होती है, कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं वो एक ही ड्रग कई महीनों से ले रहे हैं। जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, वो कॉन्स्टिपेशन की दवाई कई महीनों से ले रहा है, 6 महीने से कॉन्स्टिपेशन की दवाई लिए जा रहा है, 7 महीने तक कॉन्स्टिपेशन की दवाई लिए जा रहा है ना। एंड एक्सक्रीटेड सोली बाय द बॉडी, और वो जो कॉन्स्टिपेशन की दवाई है वो 6 महीने से ले तो रहा है, लेकिन वो दवाई जो है वो उसके यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो रही है बॉडी से, है ना। स्लोली देन मतलब तब इट कैन गेट एक्यूमुलेटेड, वो मतलब कि बॉडी में इकट्ठा होती रहेगी एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स। अब देखिए दोस्तों, कोई भी आदमी है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की वजह से वो 6 महीने से लैक्सेटिव ले रहा है, मींस वो 6 महीने से कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले रहा है। लेते लेते एक समय आएगा कि वो जो दवाई है वो उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगी। जैसे दोस्तों ये समझिए बॉडी है अपनी, अब ये बॉडी में वो जो आदमी है वो हमारा 6 महीने से दवाई ले रहा है, तो वो जो दवाई है वो इसके शरीर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहेगी। एक्यूमुलेशन के कारण होगा क्या कि जब दवाई बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देगी, और टॉक्सिक इफेक्ट से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसकी किडनी खराब हो सकती है या उसका रीनल सिस्टम फेल हो सकता है या बहुत कुछ एडवर्स इफेक्ट दे सकते हैं। तो एक्यूमुलेशन से भी काफ़ी मैटर करता है कि उसकी ड्रग डोसेज कितनी है। तो ये भी काफ़ी, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम का, अगर किसी के पास कैल्शियम की कमी है या उसे कोई भी बीमारी है वो कैल्शियम लिए जा रहा है तो कैल्शियम धीरे धीरे उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, और एक समय आता है जब कैल्शियम उसकी किडनी में एक्यूमुलेट होता लगता है और वो बन जाता है पथरी। जो पथरी होती है दोस्तों वो कई सारे मेटल आयंस होते हैं, अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो किडनी स्टोन्स की फॉर्म में किडनी में फंस जाता है और फिर उसको सर्जरी के थ्रू ही निकालना पड़ता है। अगर मतलब कि उसको पहले डिटेक्ट कर लिया तो उसको लेज़र लाइट सही कर देंगे, लेकिन अगर देर में हुआ तो उसको सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है। तो जैसे कि कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो सकता है, हैवी मेटल्स जैसे कि आयरन, फॉस्फोरस या एसेट्रा, कई सारे मेटल्स होते हैं, अगर इनका हैवी एक्यूमुलेशन हो गया तो यहाँ पे उसका टॉक्सिक इफेक्ट लिखेगा। तो यही है एक्यूमुलेशन की डेफिनेशन और यही है एक्यूमुलेशन की मीनिंग कि कुछ ड्रग्स जो होती है अगर ज़्यादा टाइम तक लेते रहें और वो ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट ना हो तो दिक्कत हो जाती है और वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है और प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक इफेक्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इसके नेक्स्ट वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।